हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल द हाई फाई स्टडी में। सो गाइज, अभी की जो हम अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो रहने वाली है जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है। बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई है, ठीक है गाइज। तो बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके, मैं बता दूं कि उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे वो लेकर जाएंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके ये प्रश्न भी हैं कि क्या सबके लिए, सबको ये कॉल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या रहने वाला, क्या सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया, ठीक है, या फिर कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया, दो नंबर यहाँ पे हो चुके हैं। तो थर्ड नंबर ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं गया, तो किन किन को मैसेज गया और किन किन को नहीं गया वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कितनों को यहाँ पे ये जाएगा और कितनों को नहीं जाएगा ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर आप टेलीग्राम में हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हम हर स्टेट के अपडेट लेकर हमेशा आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको बता दूँ कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपके कन्फ्यूज़न है वो हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। जो प्रश्न रहने वाला वन बाई वन हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैसेज किन को गया है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वेट लिस्टेड हैं, ठीक है, तो वेट लिस्टेड में जिनका भी नाम वहाँ पे मेंशन हुआ उन सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएगा, ठीक है, वो मैसेज आप सबको जाएगा। मैसेज कैसा रहने वाला वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, किस तरीके का मैसेज रहेगा और क्या मैसेज आपको आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो जिनको आया हुआ है तो वो अपना अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, ठीक है गाइस, ये सबसे पहली बात है। जिनको आया हुआ वो अपना रेडी कर लें, और जिनको नहीं आया, देखिए गाइस, अगर हम कश्मीर की यहाँ पे बात कर लें, हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर के लिए आपको बता दूं कि 5 और 6 को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आपका रहेगा 5 और 6 को रहने वाला। तो जिनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आ चुका है तो अपना मैसेज, मतलब कि अपने, तो जो डॉक्यूमेंट उनमें मेंशन हुए हैं तो वो आप रेडी रखिएगा, ठीक है गाइस। तो जो भी अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, और बहुत सारों ने मुझे जो कन्फ्यूज़न है वो हमारे साथ डिस्कस करा हुआ है तो वो कन्फ्यूज़न हम क्लियर कर देंगे। तो हो सकता है कि आपके माइंड में भी ऐसी कन्फ्यूज़न हो तो ये वीडियो देखे वो क्लियर हो जाएगा। तो जो वेट लिस्टेड हैं उनको ही ये मैसेज आने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जाएगा। अगर वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जिनका जो डॉक्यूमेंट्री अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा तो वो क्लियर कर लें, ठीक है गाइस। तो उसके बाद की जो वैकेंसी वैकेंट रहेंगी तो उनके लिए जो अदर्स कैंडिडेट हैं तो उनको भी ये मैसेज जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। तो किनको मैसेज आएगा, वेट लिस्टेड वालों को मैसेज आएगा, और जो नॉन वेट लिस्टेड है, ठीक है, नॉन वेट लिस्टेड है, तो अगर इनमें से किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर वेट लिस्टेड से जो ज़्यादा कैंडिडेट हैं, अगर मतलब कि वैकेंट पोस्टें अगर ज़्यादा है तो इनको भी जाएगा, नॉन वेटिंग वालों को भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। तो मैसेज कैसा रहने वाला वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैसेज, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है गाइज। थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिख रहा है तो अपना वीडियो का पिक्सल थोड़ा बढ़ा लीजिए। डियर कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा मैंने मिसप्रिंट कर दिया क्योंकि ये किसी का पर्सनल है तो मैं पूरा डाटा यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। और रोल नंबर रहेगा ऐसे, ठीक है, ये रोल नंबर रहेगा, इस तरीके से आएगा। योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बैंकिंग एसोसिएट इन J&K बैंक इज शेड्यूल्ड, जो रहेगा, ठीक है, मंथ डेट ईयर आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, मंथ डेट ईयर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है आपका। तो आप यहाँ पे जोनल ऑफिसर जम्मू सेंट्रल, ठीक है, तो जम्मू एक किसी कैंडिडेट का है जो कि जम्मू में रहते हैं तो उनके लिए जो एड्रेस दिया हुआ, यू आर द इन्फॉर्म, देखिए, इन्फॉर्म टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड
ब्रिंग ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलोंग विद द फोटो कॉपीज देयर ऑफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है गाइस, तो सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। ठीक है गाइस, तो फोटो कॉपीज आपको लाने और ओरिजिनल साथ में लाने। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट, तो ऑनलाइन जो रिजल्ट है वो उसका प्रिंट आउट उन्होंने मांगा हुआ है। तो सेकंड नंबर पे वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो गाइस बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नंबर टू में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है गाइस, जो आपसे यहाँ पे मांगा हुआ, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ये हम लास्ट में क्लियर करें, उससे पहले बाकी वाले मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो थर्ड नंबर पे फोटो कॉपीज ऑफ फोटो आईडी प्रूफ। ठीक है, ब्रिंग द सेम नेम इज एट अपेयर ऑन द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। देखिए गाइस, जो भी ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है तो वहाँ पे जो भी नाम रहेगा एक फोटो कॉपी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है, तो सेम नाम रहना चाहिए, अगर डिफरेंट होगा तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टू रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, तो दो फोटोग्राफ्स आपको चाहिए रिसेंट वाले। तो यहाँ पे फाइव नंबर पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए गाइस, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इशू हुई है, जैसे कि चौकीदार वगैरह रहता था पहले पहले जो ओल्ड एज में, मैं आपको बता दूं कि एंशियंट टाइम में कैसे रहता था। तो पुलिस स्टेशन से आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, तो या फिर आपकी टेंथ के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो मान्यता रहेगी। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड यूटी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ जेके यूटी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल रहना चाहिए, ये वैलिड रहेगा। तो मार्कशीट आपको चाहिए, सर्टिफिकेट्स कौन से ग्रेजुएट के जो भी यहाँ पे उन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है गाइस, तो जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो ले चाहिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट क्या होता है और कैसे, मैं आपको बता दूँ इसके बारे में जिनको भी कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे सब क्लियर होने वाला है। तो गाइस जो भी यहाँ पे स्किप करके आए हुए हैं, तो जो जो मैंने बातें कही है वो एक आराम से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, अगर पूरा समझ आ चुका तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए गाइस, वैलिड सिस्टम जनरेट क्या रहता है, आप जैसे एक फॉर्म फिल करते हैं, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको एक आईडी पासवर्ड आपको मिलता है। ठीक है, एक आईडी रहेगा, फिर वहाँ पे एक पासवर्ड रहेगा, ये सिर्फ आपके पास ही होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन के पास नहीं होता है, ये सिर्फ आप ही लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने लॉग इन किया, तो जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो आपने वहाँ पे फॉर्म फिल किया हुआ है तो वहाँ आपको शो हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो वहीं पे एक, ठीक है, वहीं पे जो एप्लीकेशन जो सामने शो होता है तो उसी को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो वैलिड सिस्टम जनरेट, तो सिस्टम आपको जनरेट करके एक एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे देगा, तो वहाँ पे एक फॉर्म आपको जनरेट हो जाएगा। तो उसका क्या रहता है कि रिसेंटली जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो तब भी ये जनरेट होता है, और उसके बाद जब भी ये मांगा जाता है तो हमेशा आपको न्यू जनरेट होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आईडी पासवर्ड लॉग इन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, लॉग इन करिए, और आपका फॉर्म फिल किया हुआ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने कितने फॉर्म फिल किए जे एंड के में। तो जितने भी आपने फॉर्म फिल किए होंगे उस वेबसाइट में वो सारे शो हो रहे होते हैं। तो जो अभी लास्ट वाला रिसेंटली उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है, बैंकिंग एसोसिएट का, तो वही आपको डाउनलोड करना है। तो आपके पास अगर प्रिंटर है तो आप यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं घर पे ही, तो जिनके पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर लें, रिसेंटली वाला डाउनलोड करिएगा। ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म फिल किया तो एक तब का डाउनलोड होगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, जो अभी करोगे रिसेंटली में उसमें होता क्या होगा, जैसे कि मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें क्या होता है कि एक प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, प्रिंट आउट रहेगा, आई थिंक कि वहाँ पे एक डेट मेंशन होगी। तो जैसे आप आधार कार्ड निकालते हैं ना, रिसेंटली वाला आधार कार्ड, जैसे कि लॉग इन करके तो आप आधार कार्ड निकालते हैं तो वहाँ पे एक डेट मेंशन होती है, तो सेम वैसा ही कुछ रहने वाला होगा, या फिर आप उनका लोगोज रहने वाला होगा, कोई न्यू लोगो उन्होंने ऐड किया होगा, या फिर वो रहेगा, या फिर डेट टाइम मेंशन रहेगी, तो वो रिसेंटली वाला ही वैलिड माना जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी है कि वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट क्या होगा। ठीक है, तो जो सिस्टम उनको जनरेट करेगा तो वही आप वहां पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो भी आपके क्वेश्चन थे वो यहां पे क्लियर हो चुके हैं। तो गाइज मैं अभी ये बता दूंगा
कि आपके लिए किन किन को ये फॉर्म मिला हुआ है, तो जिनको भी मिला हुआ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जम्मू वाले मैं आपको बता दूंगी, जो अभी मैंने कश्मीर वालों के बारे में बता दिया कि लास्ट डेट 4 अक्टूबर रहेगा, तब तक आपको जो वेट लिस्ट में तब तक उनको मैसेज या एसएमएस या ईमेल द्वारा उनको मैसेज आ जाएगा। और ये वाला जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये जम्मू वालों का है, तो जम्मू वालों का बहुत सारे कैंडिडेट को मिल चुका है और बहुत सारों को अभी मिल रहा है। तो उनको 6 7 8 को है ना उनका, तो 7 8 को 6 लास्ट 6 अक्टूबर तक उनको मैसेज आ सकता है। तो वरी मत कीजिए कोई भी, डोंट वरी, यहाँ पे वरी नहीं करिएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट रहेगी सीधा आप तक पहुंच सकेगी। तो गाइज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे तरीके से कामकाज करने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइज किसी किसी व्यक्ति को आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा, तो ऐसे उम्मीदें रहती हैं कि आप हमें क्या ही दोगे। ठीक है गाइज, तो एक लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके एनकरेज करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।